Very good morning to all of you. You know, so I think given the order of the day, to main Hindi aur English, I was thinking ki main kaise kahun ki sirf English mein nahi karenge, Hindi aur English dono mein karenge. So I would like to talk to all of you, but pehle, before I start, I think पहले तो मुझे आपको thankful होना चाहिए कि आज आपने मेरे को opportunity दिया कि मैं आके गुजराती समाज को franchising और entrepreneurship के बारे में बताऊँ. And honestly, I think आपने तो दुनिया को franchising और entrepreneurship सिखाई. तो I don't know, ये बड़ा मेरे लिए बहुत humbling experience है कि मैं एक गुजराती community को बताऊँ कि business या franchising या retail या entrepreneurship कैसे की जाती है. You know, अगर मैं मेरा तो काम ज़्यादा editorial में रहता है, तो वहाँ पर जितना मैंने अंडरस्टैंड किया है, आई थिंक फ्रेंचाइजिंग जितनी हिंदुस्तान में सीखी है वो अमेरिका से सीखी है. यूएस में सबसे ज़्यादा फ्रेंचाइजिंग की जाती थी. और फिर क्या होता है फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, कैसे की जाती है, उस पर आई सॉर्ट ऑफ कम टू इट. बट जस्ट टू गिव यू कि इसका सारा बैकग्राउंड क्या है, फ्रेंचाइजिंग सबसे पहले यूएस में शुरू हुई थी. आज आप जो मैकडॉनल्ड्स जानते हैं, आप बहुत सारे फूड देखते हैं, होटल्स देखते हैं, फैशन स्टोर्स देखते हैं, ये सब फ्रेंचाइज्ड हैं. तो ये सब वहाँ पर आई थी. और वहाँ पे कुछ $3 trillion की इकोनॉमी है फ्रेंचाइजिंग की. मेरे हिसाब से 30% तो कम गुजराती कम्यूनिटी ने वहाँ पर फ्रेंचाइजिंग को कॉन्ट्रीब्यूट किया है. तो आई थिंक सबसे पहले तो आप अपने आप को अप्लॉड कीजिए. इंडिया में तो फ्रेंचाइजिंग आप ही ने सिखाई है. ऑनेस्टली हमने फ्रेंचाइजिंग वहाँ की गुजराती कम्युनिटी से सीखी है, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज होटल को लेके उसको बड़ा कर सकते हैं. यू नो, क्यों लोगों को वहाँ पर, मैं सोचती हूँ अब कि क्यों उन्हें लगा उस वक्त कि वहाँ पर जॉब नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे, क्योंकि बिजनेस आई थिंक आपके वेन्स में है. आपको थोड़ी देर बाद आप चाहे यू नो 9 to 5 जॉब और वो कल्चर, जैसे अभी सांगी जी ने कहा कि थोड़ी देर बाद ना परेशान करने लग जाता है कि क्या सुबह 9 बजे गए, 5 बजे आ गए. इट्स सॉर्ट ऑफ यू नो गेट्स टू यू. तो आपको लगता है कुछ तो और होना चाहिए ज़िंदगी के अंदर. तो वो कुछ तो और हैज़ एक्चुअली लेड टू बिग फ्रेंचाइजिंग कम्युनिटी बीइंग बॉर्न इन अमेरिका. एंड आई थिंक एंड देन नाउ अ बिग फ्रेंचाइजिंग कम्युनिटी बीइंग बॉर्न इन इंडिया. मेरे को लगता है वहाँ पर फूड, होटल्स, रिटेल का बिजनेस जो था वो फ्रेंचाइजिंग ने बहुत बड़ा किया. और आई थिंक आपकी कम्युनिटी का बहुत बहुत बड़ा रोल था वहाँ पर बड़ा करने में इसको. एंड आई थिंक जब हम 1998 में, मेरे हस्बैंड हैं गौरव मार्या जो चेयरमैन है फ्रेंचाइज इंडिया के, वो खुद आना चाहते थे पर वो आज सिंगापुर में हैं तो नहीं आ पाए. लेकिन वो वहाँ पर जब 98 में गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो स्मॉल बिजनेस बहुत बड़ा हो रहा है. हमारे हिंदुस्तान में इकोनॉमिक टाइम्स 98 या 97 में जब आता था, आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक टाइम्स को या आप में से, हमने भी वही पढ़ा था. मैं तब छोटी थी, कुछ 25-21-23-24 साल की होंगी. मैं सोचती थी कि सारा पेपर जो होता है ये सीमेंट की बात ही करता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात ही करता है, कोई बात ही नहीं करता कि कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई होटल चला रहा है, कोई ऑटोमोबाइल डीलरशिप चला रहा है, उनकी कहाँ पर बात है. तो आई थिंक वो एक छोटा सा थॉट तब हमारे दिमाग में आया कि कोई यहाँ हिंदुस्तान में स्मॉल बिजनेस की इम्पोर्टेंस ही नहीं है, जबकि अमेरिका में सब स्मॉल बिजनेस की बात ही करते हैं. वहाँ पर सरकार भी वही बात करती है कि कोई रेस्टोरेंट चलाता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दुकान चलाता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया में कोई पूछता ही नहीं था, वो कहते थे अच्छा चलो कुछ और नहीं कर रहे तो दुकान खोल लो. उस वक्त आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो 97-98 की बात बता रही हूँ आपको. वहाँ से हमें थोड़ा छोटा सा थॉट आया कि अगर अमेरिका में इतना बड़ा हो सकता है, पॉपुलेशन अमेरिका की भी सिग्निफिकेंट है, हमारी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है ऑफकोर्स, तो यहाँ भी हो सकता है क्योंकि कंजम्पशन तो हम भी करते हैं चीज़ों की. सो उस थॉट को हम लेकर इंडिया में आए और 99 में फ्रेंचाइज इंडिया शुरू हुई उस वक्त. और जब शुरू हुई तो सब लोगों ने जैसे किसी भी एक नई कंपनी को कहा जाता है कि ये एक बहुत फ्यूचरिस्टिक आइडिया है और शायद बहुत अच्छा आइडिया नहीं होगा आपके लिए बिजनेस बनाने के लिए. वैसे आइडिया अच्छा है पर हम भी थोड़े कमिटेड थे उस वक्त, तो हमने कहा कि नहीं करेंगे तो यही अब जैसे भी होगा. तो पूरा रास्ता खुद ही बनाया कि किस तरह से फ्रेंचाइजिंग. आई रिमेंबर जब हम पहले पहले लोगों को फ्रेंचाइज समझाते थे, कोई यॉन करता था, कोई कहता था अच्छा वोट मांगने आए हो हमसे सरकार के लिए, क्या क्या बातें होती थी. लेकिन कुछ लोग थे उस वक्त जिन्होंने हमें विश्वास भी किया. कुछ लोगों ने कहा कि चलो ठीक है आपके साथ काम करेंगे. कुछ शुरू शुरू की कंपनियाँ अब बड़ी हो गई हैं, जैसे कि फर्न्स एंड पेटल्स को अगर आप जानते हो, वो एक दुकान उनकी होती थी GK1 के कॉर्नर शॉप, जिनको हमने तब जाकर कहा
कि अमेरिका में ये काम बहुत बड़ा है, आपको फ्रेंचाइज करना चाहिए. आज उन्होंने हमारे साथ, तब से आई थिंक ईयर 2000 से वो हमारे साथ, हम उनके साथ काम कर रहे हैं. आज उनके मेरे हिसाब से 1200 या 1300 स्टोर हैं इंडिया में जो चलते हैं. ऐसे ही बहुत कंपनी, सागर रत्न हुई, अब तो लिबर्टी शूज हुआ, बहुत कंपनियां हैं जिन्होंने ये फॉर्मेट को यूज़ करके और बहुत बड़े ब्रांड्स बनाए. लेकिन तब की बात और है. और आज आई थिंक व्हाट इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग इज कि हम एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री, हमें ब्रांड समझ आने लग गया है. तो जस्ट टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर कितने लोग हैं जो ट्रेडिंग में हैं? ओह वंडरफुल, लार्ज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. तो अभी जैसे सांगवी जी ने कहा कि कुआ का, उनका जो वाटर का ब्रांड है, आज से शायद 30 साल पहले ज़रूरत ही नहीं थी बनाने की ब्रांड. आपने अगर आपने इतना भी कह दिया होता कि मिनरल वाटर पी लो और अच्छा है आपकी सेहत के लिए, तो लोग वैसे भी पी लेते, ज़रूरत नहीं थी. आयुर्वेदा को देख लीजिए, पतंजलि, अब जाके पतंजलि ने आयुर्वेदा को इंडस्ट्री बनाया है. पहले आयुर्वेदा एग्जिस्ट करता था, मेरे को लगता है हमारे तो यहाँ पता नहीं जन्मों जन्मों से कर रहा है, लेकिन इंडस्ट्री नहीं बनी थी कभी. यहाँ पतंजलि आया ब्रांड एक बाबा जी की सोच से, कि उनको लगा कि ये एक, जब तक इसको ब्रांड का रूप नहीं देंगे, जब तक इसको ब्रांड का स्ट्रक्चर में नहीं डालेंगे आयुर्वेदा को, लोग आयुर्वेदा को इम्पोर्टेंट नहीं मानेंगे. सो ये जो ब्रांड है, फ्रेंचाइजिंग उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ब्रांड बनाने में, बिकॉज इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. तो मैंने छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बनाया है, कुछ 5-6 स्लाइड का, जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि फ्रेंचाइजिंग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या ज़रूरत है फ्रेंचाइजिंग करने की. अगर आप फ्रेंचाइजी भी बन रहे हैं तो क्या ज़रूरत है आपको फ्रेंचाइज लेने की. सो यू नो, बिकॉज मैं इसको बहुत इंटरेक्टिव रखना चाहती हूँ. अगर आपको कुछ पूछना हो, आप तो खुद यू नो ट्रेडिंग कम्युनिटी से हैं, बिजनेस कम्युनिटी से हैं, तो कुछ पूछना हो तो प्लीज़ साथ साथ ही आप यू नो जस्ट रेज योर हैंड और पूछते जाइएगा. आई थिंक उससे थोड़ा मोमेंटम बना रहेगा, मुझे भी लगेगा कि मैं कुछ बोल रही हूँ तो यू नो इट्स समथिंग दैट यू लाइक और यू प्रॉबेबली वॉन्ट्स टू नो मोर अबाउट. कोई क्लिकर है आपके पास? एक्सक्यूज मी, कुछ नेक्स्ट स्लाइड. या सो फ्रेंचाइजिंग मार्केट, पहले तो मैं आपको बता दूं कितनी बड़ी है. यूएस में ये $4 trillion की मार्केट है. आई थिंक वर्ल्ड वाइड कुछ अबाउट अब 5 trillion की हो गई होगी, पर यूएस में 3.5 trillion की वहाँ की मार्केट है. और फिर आप साउथ अमेरिका भी ले लीजिए और कैनेडा भी ले लीजिए, तो 4 trillion तो वहीं बैठी है सारी मार्केट फ्रेंचाइजिंग की. बाकी सारी इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप वगैरह सब मिला के अबाउट $8 trillion होगी, पर मेनली यूएस $4 trillion तो वहीं की मार्केट है. इंडिया की मार्केट अबाउट $35 billion है अभी. एक्सपेक्टेड है जितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, अबाउट एवरी ईयर वी सी अबाउट 30-35% इंक्रीज हो रहा है फ्रेंचाइज मार्केट इंडिया के अंदर. और मैं आपको बता सकती हूँ 2007 तक शायद मुश्किल से 10% तक बढ़ा पा रहे थे. मतलब हम गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस एट फ्रेंचाइज इंडिया के, हमने बहुत पुश किया है इस मार्केट को. शायद अभी मार्केट भी उतनी तैयार नहीं थी जब हमने उसको पुश करना शुरू कर दिया कि यू नो आप करिए फ्रेंचाइज लीजिए, फ्रेंचाइज लीजिए. सो उससे आई थिंक बहुत मार्केट में मोमेंटम आया. तो अबाउट $35 billion है. लेकिन अभी मैं पेप्सिको के चेयरमैन को मिली थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह बढ़ रही है, मेरा एस्टिमेट है कि अबाउट 2022 तक $50 billion की मार्केट हो जानी चाहिए. सो विच यू नो वी आर वेरी प्राउड दैट हमने भी उसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है. यू नो मेरे से पहले आप बोल रहे थे, तो आपने एक बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी आपकी, जहाँ पर आपने कहा कि अगर आप में कोई गुण है तो बताना नहीं पड़ता. मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन आज की प्रॉब्लम यह है कि जब तक बताऊँ ना लोगों को पता ही नहीं चलता है कि आप में गुण है क्या, बिकॉज इतने गुण हैं, इतने लोग हैं हमारे आसपास. यही ब्रांड की स्टोरी है. जब तक ब्रांड आके कहता नहीं कि मेरे अंदर ये गुण है, या मैं इसलिए अच्छा हूँ, या मैं ये करता हूँ, या इसलिए मेरे को आप कंज्यूम कीजिए, तब तक कोई उसको कंज्यूम नहीं करना चाहता. और ये पता है क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि मार्केट बहुत कंपेटिटिव हो गई है. एक जैसे प्रोडक्ट हिंदुस्तान में, एक मेरे को याद है कि बिस्लरी को लोग, मैं सोचती थी कई बार कि लोग बिस्लरी क्यों कहते हैं, पानी जब मांगते थे बिस्लरी मांगते थे. बिस्लरी तो ब्रांड था तो एक्चुअली मिनरल वाटर पर प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त बिस्लरी अकेला ब्रांड था, तो लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता था. कोका कोला कोई कोला मांगता ही नहीं है आज भी, पेप्सी मांगते हैं, कोक मांगते हैं, पर एक्चुअली दोनों हैं क्या? कोला है वो.
सो लोगों ने आपके दिमाग में, और क्योंकि जब कम ब्रांड होते थे कोई भी चीज़ के हिंदुस्तान में आज से 15-20 साल पहले, तो ब्रांड और प्रोडक्ट सिनोनिमस हो जाते थे, और ये बड़ा अच्छा टाइम था हिंदुस्तान के लिए. तभी जब वो ब्रांड बने तो वो इतने बड़े हो गए, क्योंकि एक या दो ही होते थे हर कैटेगरी के अंदर ब्रांड. लेकिन अब टाइम बदला है पिछले 10-1 साल से, जहाँ पर आप देखते हो एक कैटेगरी में आप कुछ भी खरीदने जाते हो आपको बहुत चॉइस मिलती है. यू नो, आपको अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, आपको बताना पड़ेगा आपका मिनरल वाटर क्यों अच्छा है, उसका मिनरल वाटर में क्या खास है, तीसरे के मिनरल वाटर में क्या खास है, आपका हिमालय से आएगा, उनका कहीं और से आएगा. सो इट नीड्स डिफ्रेंशिएशन, और फ्रेंचाइजिंग जो है वो ब्रांड बिल्डिंग और वो डिफ्रेंशिएशन लेकर आती है एक ब्रांड में. आज की डेट में हिंदुस्तान में मैं आपको बता सकती हूँ बर्गर के कम से कम नहीं तो 50-60 फूड ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ आप जाके बर्गर, हमें आज भी मैकडोनल्ड्स ही जल्दी याद आता है, राइट? हम यही सोचते हैं ना बर्गर खाना है तो कहाँ जाए, मैकडोनल्ड्स ही याद आएगा हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं. अगर पिज्ज़ा खाना है तो शायद पिज्ज़ा हट आ जाएगा. लेकिन मैं आपको बता दूँ दोनों के कम से कम हिंदुस्तान में 50-60 ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं. अब ये 50-60 ब्रांड आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी, क्योंकि वो भी छोटे हैं और पिज्ज़ा हट और मैकडोनल्ड्स बड़े हैं. किसी ने भी कोई अभी रिसेंट बड़ी अच्छी पिक्चर आई है, मतलब मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, फाउंडर करके एक पिक्चर आई है अभी मेरे ख्याल एक डेढ़ महीना पहले, किसी ने देखी? अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा. आई थिंक बहुत आपको फ्रेंचाइजिंग की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उसके अंदर से, और आपको पता चलेगा मैकडोनल्ड्स ने क्यों फ्रेंचाइजिंग शुरू की थी, उसका उसका क्या फाउंडेशन था फ्रेंचाइजिंग शुरू करने के लिए. और द गुड पार्ट इज फ्रेंचाइजिंग हर इंडस्ट्री पे लगती है, एक तो चीज़ है. और आप में से कितने कंज्यूमर बिजनेस में है, मतलब जहाँ रिटेल है, सीधा कंज्यूमर डायरेक्ट आपसे प्रोडक्ट लेता है? लवली, आप में से कोई बताएगा क्या चेंज हुआ है, मीन जिसने 15 साल में कंज्यूमर Yeah, please. I am to a retail trade of luggage. Right. So, about 10 years back, luggage used to be in the shelves with plastic all over the luggage. So, it was never visible. So, first thing we did, you know, we exposed the products and now it is displayed in a gate and showroom. Right. So, that time I had one showroom in Sarabaya, which is a very traditional market. So, today I have got 10 showrooms in Delhi, all over Delhi and all the best market. डिस्प्ले बहुत इम्पोर्टेंट होता है. वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. तो इन्होंने दो चीज़ें बड़ी फंडामेंटल कही अपने लगेज बिजनेस के बारे में. एक तो इन्होंने यह कहा कि पहले अंदर रखा होता था, लोग आके कहते थे बाहर ट्रैवल करना है बैग दे दो, तो आप बैग कहते थे कितने दिन के अंदाजन चाहिए होएगा, इतने साइज का दे दो, तो आप बैग निकाल के दे देते थे और शायद दिखा देते कि तीन है इनमें से कुछ खा लो आपका जो मन करे. फ़र्क ही नहीं पड़ता था कौन से ब्रांड का है क्या है, मतलब बस स्टडी पूछते थे कि स्टडी है चल जाएगा, तो बस काम खत्म हो गया. सो फर्स्ट थिंग इज द ब्रांड बिकेम इम्पॉर्टेंट, सेकेंड थिंग इज डिस्प्ले बिकेम इम्पॉर्टेंट. वो कहते क्यों, कस्टमर कहता कि मैं क्यों अंदर से क्यों निकाल रहा हूँ, दिखाओ यहाँ लगाओ बाहर, मैं इसमें से चूज करूँगा. शेल्फिंग बिकेम इम्पॉर्टेंट, पहले तो शेल्फ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, गोदाम से आता था, दुकान भी गोदाम की तरह लगती थी, उसमें से भी अंदर से निकाल के ले आते थे कि लाओ आपको बैग खोल के देते हैं. सो डिस्प्ले का इम्पोर्टेंस बढ़ा. सेकेंड थिंग ही सेड वॉज दैट कस्टमर को अब बेचना नहीं पड़ता, कस्टमर खुद खरीदता. यू नो, पहले आप अपने सेल्स फोर्स को या जो भी आपके फ्रंट रिटेल बॉयज होते थे उनको ट्रेन करते थे कि नहीं, कस्टमर आए तो उसको बिना बेचे भेजना नहीं है, तुम्हारे 10 रुपए की कमीशन होएगी आज अगर ये बैग बिक गया तो. लेकिन अब नहीं करना पड़ता. क्यों क्यों नहीं करना पड़ता? द बिगेस्ट रीजन इज बिकॉज कस्टमर सोच के आता है, अपना उतना प्रिपेयर होकर आता है कि मुझे शायद सैमसोनाइट का बैग खरीदना है, क्योंकि उसने सैमसोनाइट की बाहर ऐड देखी होती है, उसने सैमसोनाइट के पीसेस देखे होते हैं. और आजकल तो आई मीन ई कॉमर्स आ गया है, तो मतलब उसको शायद
आपसे भी ज़्यादा नॉलेज होएगी, आपके जो रिटेल बॉय है उससे ज़्यादा नॉलेज होएगी कि उस प्रोडक्ट पे ऐसा क्या खास है. सो सेकेंड थिंग दैट बिकेम इम्पॉर्टेंट इज कस्टमर इज अवेयर. सो यू डोंट हैव टू पुश द कस्टमर टू बाय. कस्टमर को मैकडोनल्ड में जाके आपने देखा है कभी कस्टमर को आपको कहना पड़े कि भाई साहब नहीं ये तो ले ही लो, आपसे बात ही नहीं करते हैं. अगर ये वाला बर्गर खाना है कोक पीना है ऊपर से ये लगाना है, अच्छा ठीक है वेरी गुड. उसके बाद तीसरी बात नहीं करेगा वो आपसे, चलो अगले वाले को मैं सर्विस करूंगा. सो दिस इज अ बिग डिफरेंस दैट हैज कम एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज बिकॉज ब्रांड बिल्डिंग बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट. ब्रांड बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट. लोग ब्रांड खरीदने आते थे, फर्क नहीं पड़ता था कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है आपको. यस प्लीज. बिल्कुल जी. एब्सोल्युटली. तो आज के डेट पे आपका कस्टमर अपनी पर्सनल अपीयरेंस को लेके बहुत कॉन्शियस है. यू नो ही डजंट वांट टू बी सीन. मतलब आई रिमेम्बर जब आज से 10-12 साल पहले हाई डिज़ाइन को बैठे हैं, हाई डिज़ाइन थी यहाँ पे, अच्छा चलो हाई डिज़ाइन आया था, तो मुझे लगा कि हमने शायद अपना लुई विटॉन बना लिया ब्रांड इंडिया में. पर सच बात ये है कि कस्टमर आज इतना इवॉल्व है कि उसे पता है कौन सी एज में उसको हाई डिज़ाइन खरीदना है और कौन सी एज तक आके हाई डिज़ाइन छोड़ के इससे अगले ब्रांड पे शिफ्ट कर जाना है. कब होता था ये 10 साल पहले? आज की रेट में यू नो उसे पता है कि आज मैं हाई डिज़ाइन छोड़ूंगा टूमी पे जाऊंगा, फिर टूमी छोड़ूंगा हुगो बॉस पे जाऊंगा, हुगो बॉस छोड़ूंगा लुई विटॉन पे जाऊंगा, लुई विटॉन छोड़ूंगा यू नो उसके वैसे तो नॉर्मली लुई विटॉन पे रुक जाते हैं पर जो ज़्यादा थोड़े होते हैं वो एक और आधा आगे ब्रांड कस्टमाइज्ड जो आजकल बनाते हैं आपके लिए. हाँ जी बर्किन पे जाएंगे. वेरी गुड. तो बर्किन पे जाएंगे या कस्टमाइज बनवाएंगे अपने लिए बैग्स या जो आपके लग्जरी इटालियन बनाते हैं. सो this is an evolution that has happened, but because this evolution has happened brands became important and brands could only reach to the customer if they had distribution. pehle sirf distribution hoti thi. aapne to samsonite mein deal kiya hai showroom kholne se pehle to aapko wo kehte honge ye bhi rakh lo, aapne bag rakhe hue hain aap ye wala bag bhi rakh lo apni dukaan ke andar aur customer mange to de dena. to ek time tha jab sirf distribution hi chalti thi. दुकान मल्टी ब्रांडेड स्टोर्स होते थे, डिपार्टमेंटल स्टोर जिसको आप कहते हैं, वो वहाँ से आपको जो चाहिए होता था वो अंदर से निकाल निकाल के दिखाता रहता था. आपने कहा 5 साल के बच्चे का कपड़ा चाहिए तो हर तरह का ब्रांड आ जाता था, फर्क ही नहीं पड़ता था कि बेनेटन निकल के आया या कौन सा निकल के आया. जब तक ये बेनेटन और ऐसी कंपनीज में आ गए, और बेनेटन एक बहुत बड़ा सक्सेस एग्जाम्पल है, आज शायद वो एक ब्रांड बन गया है फैशन के अंदर, लेकिन आई कैन टेल यू टिल अबाउट 2010 ब्रांड अकेला ही था वो मार्केट में जिसको समझ आया था कि ब्रांड बनना है. बाटा वो तो खैर काफ़ी देर से एग्जिस्ट करता है और उनका फ्रेंचाइजिंग बढ़ता कम होता रहता है, बट द पॉइंट वाज दैट उन्होंने रियलाइज़ किया कि जब तक हम कस्टमर हमें आके मांगेगा नहीं दुकान में तब तक हम कभी भी कस्टमर के एक फेवर्ड ब्रांड नहीं बन पाएंगे. सो फेवरेट ब्रांड बनने के लिए उन्होंने स्टोर्स खोलने शुरू किए. वहाँ से फ्रेंचाइजिंग शुरू हुई जहाँ पर हर जगह पर उन्होंने फ्रेंचाइज का स्टोर अपना बेनेटन का स्टोर फ्रेंचाइजी के थ्रू खोला. लोकल पार्टनर ढूंढा जो उस स्टोर को चलाएगा और उसको बड़ा करेगा. तभी ये कंपनीज आज हिंदुस्तान में ही कुछ हज़ार आम कंपनी अच्छी आप थोड़ा सा भी अच्छा ब्रांड उठा लीजिए एलन सॉली वैन हिमसन बेनेटन ये लग्जरी ब्रांड्स नहीं करते हैं इतना क्योंकि अभी हमें इतना पेनिट्रेशन नहीं चाहिए और इतनी इंडियन मार्केट तैयार नहीं है कि लुई विटॉन को लगे कि उसको 200 स्टोर खोलने हैं हिंदुस्तान में. उसे पता है पाँच भी खोलूंगा तब भी जिन 200 लोगों ने खरीदना है मुझे आके यहाँ से भी खरीद लेंगे. लेकिन जिनको कस्टमर को पता है कि उनके घर के पास आज वो ब्रांड ढूंढते हैं वो लोगों के आम ही हिंदुस्तान में 700-800 स्टोर चल रहे हैं. टाइटन के कम से कम नहीं तो 1500 स्टोर चल रहे हैं. कोई है टाइटन का फ्रेंचाइजी यहाँ पे इंसिडेंट? नॉर्मली उनके फ्रेंचाइजी आमतौर पर जब मैं बोले जाते हैं उनके फ्रेंचाइजी दिख जाते हैं मिल जाते हैं मेरे को, तो उनके फ्रेंचाइजी उनके साथ कुछ 25-30 साल से वही फ्रेंचाइजी चल रहे हैं. पहले उन्होंने टाइटन किया, पहले उन्होंने टाइटन की दुकान खोली, फिर टाटा ग्रुप ने तनिष्क करके एक ब्रांड निकाला ज्वेलरी का, पर क्योंकि टाइटन की दुकान वॉचेस की अच्छी चल रही थी तो उन्होंने तनिष्क का भी
फ्रेंचाइज ले लिया, फिर अब उन्होंने टाइटन आई प्लस निकाला जो आई वेयर का ब्रांड है, तो वही फ्रेंचाइजी उनके बेटे आगे बड़े हो गए, बेटे ने टाइटन आई प्लस का स्टोर खोल लिया। तो अपने आप में हिंदुस्तान में हमने, बाहर नहीं इतना होता पर हिंदुस्तान में हमने इसको भी फैमिली बिजनेस बना दिया है। टाटा ग्रुप हैज एक्चुअली प्लेड अ वेरी बिग रोल इन दिस। कैन यू प्लीज गो टू द नेक्स्ट लाइन। सो सबसे पहले आई थिंक आप में से ऐसे कितने लोग होंगे यहाँ पर जिनको, जिनका अपना बिजनेस है, अपना ब्रांड है, आई नो सर आपका तो है, पर अपना ब्रांड है, जिनके स्टोर्स भी हैं, मतलब जो कंज्यूमर फेसिंग स्टोर के थ्रू ऑपरेट करते हैं, कोई फूड ब्रांड हो या कोई फैशन का ब्रांड हो, कोई है? आपने कभी पूछा क्यों नहीं, हमें क्यों जरूरत? और यू नो ये हिंदुस्तान में, आई मीन एंड आई एम नॉट गोना ब्लेम यू फॉर दिस, हिंदुस्तान में हम लोग ना ब्रांड के बारे में, हमारा ना थर्ड सॉर्ट ऑफ, अगर हमारा बिजनेस करते हैं हम बिजनेस में प्रोडक्शन सोचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सोचते हैं, कस्टमर तक जाना सोचते हैं, प्रॉफिट करना सोचते हैं, उसके बाद ब्रांड सोचते हैं। क्या ब्रांड सोचते हो, ब्रांड बनाते हैं? हैव यू वंडर्ड व्हाई? और ये मेरा सिर्फ आपकी कम्युनिटी में नहीं, तकरीबन हर कम्युनिटी में ये ऐसे चलता है इंडिया के अंदर। हमारी फोर्थ प्रायोरिटी, जब तक आपने सैमसंग का देखा होगा तो आपने रियलाइज किया कि ये तो बिक रहा है ब्रांड, इसको आगे कर लो। पर हम हिंदुस्तान में जब खुद ब्रांड बनाते हैं, हमें एक तो वैसे ही हम एज अ सोसाइटी बहुत फॉरेन ब्रांड से ज़्यादा प्रभावित हैं। यू नो आप अपने आसपास ही देखो, फ्लिपकार्ट से ज़्यादा हिंदुस्तान में अमेजोन चलता है, ओला कैब से ज़्यादा ऊबर चलती है, बेनिटन चलता है, टॉमी हिलफिगर चलता है, हिंदुस्तान का तो नाम भी नहीं दिखाई देता कोई ब्रांड का। पर मेरा पॉइंट इज क्यों नहीं दिखाई देता, वो इस करके नहीं दिखाई देता क्योंकि हम फोर्थ प्रायोरिटी देते हैं ब्रांड बनाने को एक बिजनेस के अंदर। सर आपने कितनी देर से वाटर का बिजनेस किया, लेकिन शायद कुआ तो अभी थोड़े साल पहले बना, जब इन्होंने रियलाइज किया कि अगर मुझे बिजनेस को, वाटर मिनरल वाटर बिजनेस को यूरोप या बाकी जगह लेके जाना, तो वहाँ तो मिनरल वाटर नहीं सोचते लोग, ब्रांड सोचते हैं, उसकी ब्रांडिंग कैसी होगी, बॉटल कैसी दिखेगी, प्राइसिंग कैसे होगी, कैसे लोगों के माइंड में वो बैठेगा कि मुझे अगर पानी लेना है तो कुआ का पहले जाके पूछो। दिस इज द लास्ट प्रायोरिटी वी गिव इन आवर बिजनेस, इवन व्हेन वी आर डूइंग कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस। मतलब हिंदुस्तान में मैं आपको चिप्स के कम से कम नहीं तो 200 ब्रांड गिनवा दूँ कि जो आपको पता भी नहीं होंगे एग्जिस्ट हो रहे हैं और बिक रहे हैं किसी न किसी मार्केट के अंदर। आपके अपने गुजरात के अंदर इतने फूड ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं जो सिर्फ गुजरात में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बेचते आज भी सेवियाँ ही हैं, ब्रांड तो सिर्फ साइड में लगा हुआ है पैकेट के ऊपर लगाने के लिए। सो पॉइंट इज ऐसा क्यों है? Till you will not realize the value of building a brand, and अभी तो मैं आपको जो स्लाइड दिखाने वाली हूँ वो मैं बताऊँगी कि क्यों बिजनेस को फ्रेंचाइज करना चाहिए या क्यों बिजनेस फ्रेंचाइज करते हैं। एक तो सबसे पहले जैसे इन्होंने कहा कि बिजनेस करना है तो पैसा तो चाहिए, राइट? अगर ब्रांड भी बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, स्टोर खोलना है, पैसा तो लगेगा, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन अगर आप कमिटेड हो तो पैसा आ भी जाता है। सो फ्रेंचाइजिंग को एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है विच ऑपरेट्स ऑन अदर पीपल्स मनी। इसका कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं OPM है मार्केट के अंदर, बाहर तो बहुत इजीली यूज है, हिंदुस्तान में हम करते नहीं ज़्यादा यूज। हमें मैंने एक दो बार किया कुछ लोगों के साथ, उन्हें लगा कि ये तो ठगी का बिजनेस है, पर सच बात है ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। फ्रेंचाइजिंग में क्यों फ्रेंचाइज जल्दी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इट ऑपरेट्स ऑन अदर पीपल्स मनी। अगर मेरे पास एक ब्रांड है, आपको वो फ्रेंचाइज लेना है, तो पैसा आप लगाते हैं स्टोर खोलने में, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने में, प्रोडक्ट रखने में, सर्विस देने में, जो भी हो। अब हिंदुस्तान में अमेजिंगली एक इंडस्ट्री ऐसी है जो सबसे ज़्यादा फ्रेंचाइज करती है, दुनिया में नहीं कहीं करती, किसी को पता कौन सी है? नहीं, फूड तो हम कम करते हैं, बाकी एजुकेशन इंटरेस्टिंगली दुनिया में लोग करते हैं फ्रेंचाइज सबसे ज़्यादा। बाहर में होती है, ऐसी बात नहीं है, अर्ली किड्स एजुकेशन में होती है या थोड़ी बहुत स्किल ट्रेनिंग में होती है, हिंदुस्तान में सब कुछ फ्रेंचाइज एजुकेशन के अंदर। अर्ली एजुकेशन तो पूछो ही ना कितना फ्रेंचाइज है, मतलब मेरे ख्याल मैंने हर अभी तो कम हो गया है, लेकिन आज से 2 साल पहले हर 10वें दिन में एक नई एजुकेशन प्री स्कूल के ब्रांड को मिलती थी जो कहते थे हमें फ्रेंचाइज करना है।
क्योंकि वो सर्विस बिजनेस है और सर्विस बिजनेस में फ्रेंचाइजिंग करनी और ज़्यादा मुश्किल है वर्सेज अ प्रोडक्ट बिजनेस. और क्योंकि आपकी कम्युनिटी प्रोडक्ट बहुत अच्छा समझती है तो शायद फ्रेंचाइजिंग और पीछे हो जाता है क्योंकि लगता है प्रोडक्ट तो कहीं ना कहीं जहाँ पर पहुँचाना है पहुँचाई देंगे डिस्ट्रीब्यूशन में जो. सो क्यों एक बिजनेस फ्रेंचाइज करता है, बिकॉज इट्स अ मॉडर्न वे टू रेज कैपिटल. आपको अपना पैसा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर आपने ठीक, अगर आपका आप अपने प्रोडक्ट के साथ कमिटेड हो, आपका प्रोडक्ट प्योर है, आपका प्रोडक्ट वांटेड है मार्केट में. यू नो, आपने एक दुकान खोली कहीं जो कि एक्चुअली मैकडॉनल्ड्स का अपनी स्टोरी है. उन्होंने मैकडॉनल्ड्स ने एक कोई मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स होते थे जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स शुरू किया था, जिनको तब उन्होंने एक बर्गर बनाने के कॉन्सेप्ट को थोड़ा मास्टर कर लिया था कि कैसे बर्गर को 2 मिनट में कस्टमर को दे देंगे. जब रे क्रॉक जो अब ओनर थे और अब तो नहीं है दुनिया में, जब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत स्मार्ट कॉन्सेप्ट है और इसको हम बढ़ाने के लिए फ्रेंचाइज कर देंगे, और पर फ्रेंचाइज हो इस करके पाया क्योंकि रे क्रॉक ने पैसा नहीं डाला और मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स ने पैसा नहीं डाला, पर उनके पार्टनर्स ने पैसा डाला. सो आई थिंक इट्स अ बेस्ट वे टू रेज कैपिटल एंड ग्रो. सो व्हाट ही वाज सेइंग कि बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा, तो फ्रेंचाइजिंग में तो बिजनेस में पैसा आगे से ही आ जाता. सो इट बिकम्स मच मोर ईजी, इट हेल्प्स इन रैपिड पेनिट्रेशन. तो हम फ्रेंचाइज इंडिया में हमारा ना एक बड़ा, हम हर जो भी फ्रेंचाइजर या ब्रांड छोटा भी हमारे पास आता है, हम उन्हें पहले एक चीज़ कह देते हैं कि तैयारी कर लो, एक बार ही हमने तुम्हारा ब्रांड मार्केट में डाल दिया ना उसके बाद फ्रेंचाइजी तो धड़ाधड़ खुल जाएंगे. तुम संभाल पाओगे नहीं संभाल पाओगे सारे सेटअप को, उसके लिए तुम्हारे को स्टडी या स्ट्रॉन्ग होना है. तो फ्रेंचाइजिंग के अंदर फ्रेंचाइज की एक टीम लगती है, एक फ्रेंचाइज मैनेजर होता है, एक फ्रेंचाइजी को आपको कहीं दुकान खोलनी है तो लोकेशन जाके फाइनल करनी है, लैंडलॉर्ड के साथ जाके रेट फाइनल करना है. आमतौर पे जो बड़े ब्रांड हैं मैकडॉनल्ड और पिज़्ज़ा हट जैसे, ये लोग तो लीज भी अपने नाम पे ही साइन करते हैं. जहाँ पर फ्रेंचाइजी चलाता फ्रेंचाइजी है, लेकिन अगर फ्रेंचाइजी का किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मन करे कि बंद कर देना, तो कंपनी खुद से इतना आई टेल यू वैल्यू रखती है कि वो खुद ही चला लेती है उसके बाद. तो लीज जो होता है लैंडलॉर्ड का वो नॉर्मली कंपनी अपने नाम पे ले लेती है. सो फ्रेंचाइजिंग तो हो जाती है हिंदुस्तान में बहुत जल्दी, लेकिन कई बार मैंने देखा फ्रेंचाइज ब्रांड अच्छा होते हुए, प्रोडक्ट अच्छा होते हुए नहीं चल पाता, क्योंकि द ओनली वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज बिकॉज फ्रेंचाइजर ने जब फ्रेंचाइजिंग शुरू की होती है अपनी तैयारी नहीं की होती, फ्रेंचाइज की टीम नहीं बनाई होती, उसने लोग नहीं रखे होते जो सर्विस करेंगे फ्रेंचाइजी को. फ्रेंचाइजी अब आपका पार्टनर आ गया. आप देखते हैं कंपनीज के अंदर भी आपने एम्प्लॉयज़ जब बढ़ने लग जाते हैं, हम धीरे धीरे एचआर डिपार्टमेंट खोलते हैं. क्यों खोलते हैं एचआर डिपार्टमेंट? ये बात तो सुने, सारा दिन कैसे एम्प्लॉय की? अगर आपके पास 30 एम्प्लॉय हो गए, सारा दिन या तो एम्प्लॉय की बात सुनोगे या बिजनेस के बारे में सोचोगे. तो जैसे ही 25-30 एम्प्लॉय होते हैं, पहले एक एचआर मैनेजर एम्प्लॉय कर लिया जाता है. आमतौर पर नए ब्रांड्स में देखते हैं फ्रेंचाइज मैनेजर ही एम्प्लॉय नहीं करते, वो फाउंडर को कहता है मैं ही कर लूँगा. इट स्टार्ट्स फॉलिंग. सो यू नो इट, that is where it's very important that it helps in rapid penetration, provided you have a structure created within your organization to help franchising to grow. Operational challenges, to main dekhti hu aam taur pe ye badi companies jo hoti hain, abhi recently mere paas ek bahut bada group aaya tha jisne kaha ki hame franchise karna hai, to mujhe laga inko kya padh logi. I remember kuch 10 saal pehle hamare paas Reliance petrol pumps ki franchise humne karwai thi. वो क्योंकि पता उनका रेट वर्कआउट नहीं हुआ, तो आई थिंक वो चला नहीं बिजनेस मॉडल, बिकॉज उनका गवर्नमेंट के साथ पेट्रोलियम के विंग्स के लिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था. तो तब हमें लगा कि इनको क्या ज़रूरत होगी फ्रेंचाइज करने की. बट यू नो लोग क्यों, बड़ी कंपनियां भी क्यों फ्रेंचाइज करती हैं? क्योंकि एक डिफरेंट लोकेशंस पे बिजनेस को ऑपरेट करने के ऑपरेशनल चैलेंजेस बहुत होते हैं. आपने आज 200 स्टोर खोल दिए, सुबह आपको ये भी पता है कि सुबह मैनेजर ने जाके खोला है कि नहीं खोला है स्टोर, लाइट जली है कि नहीं जली है. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय रहता है, और सारे आपकी तरह फादर्स भी कमिटेड नहीं होते जो अपने बेटे को कह दें कि बेटा अपनी दुकान समझ के चला. बाटा इंटरेस्टिंगली मैंने बाटा का मॉडल रियलाइज किया, उन्होंने कहा अगर 15 साल एक एम्प्लॉय ने अपना स्टोर समझ के उसको चलाया है, हम उसको फ्रेंचाइजी देते हैं उसका स्टोर कर देंगे. आप कैसे इंश्योर करोगे अपने स्टोर खोल के 200-250, और हिंदुस्तान में तो 200-250 स्टोर आम ही ब्रांड के खुले हुए हैं, पता भी नहीं चलता आपको वो ब्रांड हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज वी सच अ बिग ह्यूज मार्केट. जब तक हिंदुस्तान में कम से कम 1500 स्टोर नहीं खुलते, कम से कम, और मैं कहती हूँ दिस इज लाइक द लीस्ट नंबर ऑफ स्टोर, 1500 स्टोर नहीं खुलेंगे ना ब्रांड दिखाई भी नहीं देगा आपको मार्केट के अंदर.
कि ये एक ब्रांड बन गया है, ये ब्रांड बड़ा हो गया है. मिनिमम 1500 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स चाहिए उसको, तब वो जाके कुछ साइज में दिखने लगता है. सो आई थिंक ऑपरेशनल चैलेंजेस इज वन ऑफ द बिग रीजंस व्हाई यू विल वांट टू फ्रेंचाइज. देन ब्रांड बिल्डिंग इज वेरी क्विक. अगर आपने एक साल के अंदर 300 स्टोर्स खोलने की या 400 स्टोर्स खोलने की आपकी कैपेबिलिटी है, तो आप ब्रांड को 2 साल में बना सकते हैं. वर्सेस अगर आप खुद बनाने जाएंगे हाई डिज़ाइन की तरह, तो आपको कम से कम 5-7 साल लगेंगे. सो फ्रेंचाइजिंग गिव्स अ बिग एज ओवर देयर. तो मैंने ये नीचे लिखा है, 3 पॉइंट्स होते हैं जिसके लिए फ्रेंचाइजिंग की जाती है. टाइम एंड स्पीड. बड़ी कंपनीज आमतौर पर इस करके फ्रेंचाइज कर सकती है क्योंकि इन्हें बहुत कम टाइम में बहुत स्पीड से अपना बिजनेस को, ब्रांड को बहुत जगह लेकर जाना होता है. कैपिटल. छोटा ब्रांड जो होता है, जैसे मैंने कहा कि कोई भी एक या दो, किसी ने बेकरी खोल रखी है या स्कूल खोल रखा है या फैशन का कोई ब्रांड खोल रखा है, उसको इस करके फ्रेंचाइज करना पड़ता है क्योंकि उसे कैपिटल चाहिए होता है और ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है उसको. नहीं तो बिजनेस मैनेजमेंट बिकम सच अ पेन कि आप उसको मैनेज ही नहीं कर सकते. आई मीन मैनेज सब कुछ ऑर्गेनिकली, तो आप बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो अगर आप करने पे आओ तो. लेकिन जब तक ज़रूरत नहीं है, और कोई मैंने देखा फ्रेंचाइज करता भी नहीं है. अभी मैं रिसेंटली वाओ मोमो करके किसी ने ब्रांड सुना, उनसे अभी बात, उनका ओनर से कल परसों बात कर ली थी. अब उन्होंने 105 स्टोर खोल लिए. तो मैंने कहा फ्रेंचाइज में क्या भी कहते हैं, मुझे लगता है 110 पर हमारी बस हो जाएगी, फिर हम शुरू करने वाले हैं. ऐसे ही अभी थोड़े दिन पहले मैं बर्गर किंग को मिली, इसे 200 स्टोर तो हम पहले अपना खोलेंगे, उसके बाद तुम ही करोगे हमारे लिए फ्रेंचाइज. सो जब तक आपके अंदर वो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है अपने ब्रांड को मैनेज करने की, तब तक तो बहुत अच्छा है. आप खुद से स्टोर खोलो, खुद से बनाओ, बिकॉज उससे प्योरिटी ऑफ ब्रांड बहुत अच्छा रहता है. लेकिन जहाँ पर आपको ऑपरेशनली चैलेंज्ड होंगे, फ्रेंचाइजिंग बिकम्स वन ऑफ द ओनली रूट टू टेक योर बिजनेस फॉरवर्ड. बट ऑफकोर्स सिलेक्शन ऑफ फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी कैसा होगा, उसमें क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, वो हम करेंगे. तो जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, इंडिया की अबाउट 4-5% ऑफ GDP एज फ्रेंचाइजिंग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, अक्रॉस सेक्टर्स एग्जिस्ट करता है. मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्टिंगली पिछले 4-5 साल में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हमारे पास बहुत आने लग गई हैं, जो कहती हैं हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो. अभी रिसेंटली हमने ट्रांसफॉर्मर्स का ब्रांड था जिसका फ्रेंचाइज मॉडल बना के दिया. वी नेवर थॉट वी वुड डू दैट, बट आई मीन यू नो, सो इट्स बिकमिंग सॉर्ट ऑफ मोर पेनिट्रेबल एवरीवेयर. Now this is very interesting, and you would think कि market बहुत छोटी है, but from the way वो glass half full और half empty वाली बात है, 2.5% ही सिर्फ retail का आज भी हिंदुस्तान में franchise होता है. 2.5% कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक. We've not even touched the tip of the iceberg. The real market is still existing. It's still empty. So अभी तो हिंदुस्तान का ब्रांड तो फ्रेंचाइज करता ही नहीं है. अभी तो फॉरेन ब्रांड आते हैं, उनको अपना फटाफट ब्रांड बनाना होता है तो वो आके फ्रेंचाइज करते हैं. आप गुजरात में, कोई यहाँ बता सकता है अप्रॉक्सीमेटली कितने उन्होंने गुजरात में फैशन के ब्रांड देखे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी पहनते हैं, जिनका ब्रांड उन्होंने भी अभी फ्रेंचाइज नहीं करा. जेडलू, राइट? एब्सोल्युटली. पर आज अगर उनको सच में, पर मैं आपसे पूछती हूँ, पंजाब में कितने लोग जेडब्लू को जानते हैं? Absolutely. Lot of big companies, lot of big manufacturers has come and they become a bankrupt because they could not run the franchisee business properly because no educations. Firstly, that you know you can't teach the staff of the franchisee stores, and the rental is very high in India, and that's why a lot of reasons are there. And it may be franchisee may be success in the food item. But regarding the garment, we found even Tommy also, in the few of the stores, Tommy's also had a failure to run the franchisee. Even if you take the international and domestic. I'll just take a minute to sort of clear this thing.
होता क्या है, जेड ब्लू ने भी स्टोर ना बंद किए होंगे अपने खोल कर, पर लेकिन क्योंकि उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट की और अपना पैसा था, खोला बंद किया चला गया। हिंदुस्तान में मॉडर्न रिटेल को कोई समझता ही नहीं था टिल अबाउट 2011। बियानी जी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कुछ क्रैक किया था। इवन ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, ही वॉज वेरी वेरी अनसक्सेसफुल, बिकॉज हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं एग्जिस्ट करता था और सबको जाके मॉल में ही दुकान खोलनी थी, सबको जाके सबसे अच्छी लोकेशन पर लेनी थी। अच्छी लोकेशन तो पहले ही कम थी, तो उसका रेंटल अमेरिका में आप रेंटल देते हो अबाउट 15% तक, हर बेस्ट लोकेशन पे 15% ऑफ योर टोटल रिटेल सेल्स वुड गो इनटू रेंटल। हिंदुस्तान में 40% थी ये फिगर, आप कभी बिजनेस वायबल बना ही नहीं सकते थे। हम आई मीन आई थिंक टू द रिटेल इंडस्ट्री फ्रेंचाइज इंडिया क्राइड होर्स कि भाई लोकल मार्केट में जाके दुकान खोलो तो सही, जाकर ठीक रेंटल तो ठीक करो पहले अपने। That is perhaps one of the only reasons why we at Franchise India focused more on services than on retail. You see, the international brand, though people are making the brand between the manufacturing to the retail, there is a margin of 500%. Right. And Indian domestic manufacturer does not get that kind of margin. So that is the reason why those people do not survive. But I am saying, why don't you make a brand in Hindustan? I am saying that you make a brand in अगर ये मैथ्स आपको समझ आता है तो आप हिंदुस्तानी ब्रांड क्यों नहीं बना लेते? लॉट ऑफ ब्रांड्स आर देयर हु नो हाउ टू मेक देयर मनी बिफोर रिटेलिंग एंड फ्रेंचाइजिंग हैपेंस। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टॉमी का, बेरेटन का, इनका तो सबसे ज़्यादा मार्जिन इनके मैन्युफैक्चरर से आता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि ये वाला साइंस जब हमें पता ही है तो हम खुद का क्यों नहीं ब्रांड बनाते? Which is just what? In international, if you go to China, you go to the Thailand, you go to the Korea, there the production cost is very low, and India the production cost is very high. सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर आपके मैन्युफैक्चरिंग से बेनेटन ने तो आके पैसा बना लिया, आप नहीं बना पा रहे। मैं आपको ये समझाने की चाहिए मार्केट आल्सो एंड इंडिया आल्सो एंड लॉट्स ऑफ देम। आई मीन ये मार्केट्स है, लुधियाना है, साउथ में बहुत अच्छी मार्केट है, कोयम्बटूर है, तिरुपुर, राइट, जहाँ पर आज सब सोर्सिंग होती है, तो सोर्सिंग तो आज भी होती है, तो वो कहीं नहीं गया। पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, दो जगह ये बिजनेस बिल्कुल गलत किया रिटेल फैशन का। एक तो उसमें मिनिमम गारंटी जो साइन करते हैं वो सबसे ज़्यादा उसने ख़राब किया बिजनेस को, और दूसरा, और मेरा टाइम भी ख़त्म हो रहा है तो मैं आपके साथ नीचे आके भी डिस्कशन कर सकती हूँ, और दूसरा रेंटल कॉस्ट। तो यही दोनों फैक्टर्स थे जिसने रिटेल फ्रेंचाइजिंग को ख़राब किया, लेकिन अब इट्स अंडर कंट्रोल। वेरी क्विकली कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट माय लास्ट स्लाइड, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट स्लाइड, थैंक यू। सो दीज आर सम ऑफ द फ्रेंचाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आई थिंक फ्रेंचाइजी। तो मैंने अभी तक तो ब्रांड की बात की, फ्रेंचाइजर की बात की, तो मैं आपको फ्रेंचाइजी का भी एक पहलू बता देती हूँ कि ये अबाउट 10 आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स या पैरामीटर्स होने चाहिए अगर आप फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं। तो सर आप मानते हैं, तो आई थिंक बहुत ईगरनेस टू लर्न। आपको फ्रेंचाइजर तो एक लेवल तक ही सिखा सकता है, लेकिन दुकान तो लोकल आप ही को चलानी है। आपकी मार्केट के अंदर क्या चलता है क्या नहीं चलता ये फ्रेंचाइजर को आप बताएंगे, फ्रेंचाइजर आपको उतना ही बताएगा जो ब्रांड चलने के लिए चल जाएगा। सो आई थिंक विलिंगनेस टू वर्क, फ्रेंचाइजी का मतलब ये नहीं है कि काम नहीं है, ब्रांड का बोर्ड लगा हुआ है ऊपर, अब कुछ काम करने की जरूरत नहीं। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई आई हैव सीन फेलियर्स हैपन, कि उसे लगता है कि मैंने तो बेनेटन का फ्रेंचाइज ले लिया या उसका ले लिया या स्कूल का ले लिया, तो अब तो खुद चलना चाहिए। खुद कुछ चला है अब तक आज तक जिंदगी में? फिर तो सब अपना घर पर बैठ जाते ब्रांड खोल के। सो इवेंचुअली काम तो उतना ही करना पड़ेगा जितना आप अपना बिजनेस खोल के करते, लेकिन शायद आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाती है कि ब्रांड से आपको कस्टमर क्लोजिंग जल्दी हो जाती है। लॉन्ग आवर्स, इट्स नॉट अ शॉर्ट आवर बिजनेस, इट्स नॉट अ शॉर्टकट, इट्स स्टिल वेरी लॉन्ग आवर्स बिजनेस। पीपल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू बी अ वेरी पीपल पर्सन, यू नीड टू, बिकॉज ये बिजनेस फ्रंट कस्टमर फेसिंग का है, तो जब तक आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन या कस्टमर को एक्सपीरियंस देना नहीं आता तब तक यू सफर। योर सेल्स एबिलिटी हैज़ टू बी वेरी हाई। मैंने देखा है सबसे पहली चीज़ क्या पूछता है फ्रेंचाइजी, आपने कितनी सेल करी हुई, कितने, आपका सबसे पहला क्वेश्चन आमतौर पर फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी से यही पूछता है। आपकी सेल्स एबिलिटी हैज़ टू बी वेरी गुड, एबिलिटी टू टेक डायरेक्शन। फ्रेंचाइजी बन के
आप ये नहीं कह सकते कि भाई साहब आप अपना अलग चला और मैं अलग चला था. यू आर पार्ट ऑफ अ बिग ग्रुप एंड इन द ग्रुप सर्टन रूल्स आर सेट. तो वो रूल्स तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपको लोकली अपने हिसाब से, कुछ आपको अपनी मार्केटिंग के हिसाब से, कस्टमर के साथ बात करने, अगर आप गुजरात में रहते तो गुजराती में बात करेंगे, तो वो इसमें ब्रांड आपको चैलेंज नहीं करने वाला है प्रिंसिपली. बिजनेस स्किल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो आपको लड़के कैसे ट्रेन करने हैं वो तो फ्रेंचाइजी स्टोर में भी लगेगा उतना ही जितना आपके रेगुलर स्टोर में लगता है. हैविंग मनी एंड रिजर्व, दिस इज आई थिंक आई स्टॉप ओवर हियर एट दिस स्लाइड, बट दिस इज द मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइटेरिया व्हाई पीपल हैव फेल्ड सर. अगर एक बिजनेस फ्रेंचाइज बिजनेस को शुरू करने की कॉस्ट इज 40 लाख रुपीज और उसकी फ्रेंचाइज फीस और रॉयल्टी मिला के अगर आपको 30 लाख में पड़ती है, 10 लाख अगर ऊपर आपको, या 10 तो नहीं आपको ज़्यादा पड़ता है, चलो 15 लाख मान देते हैं, 15 लाख एक स्टोर खोलने में लगता है या स्कूल या वट एवर जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं लगता है, तो आपके पास कम से कम आपके बैंक में या आपके सोर्सेज के थ्रू आपके पास 70 लाख रुपये होना चाहिए. द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव सीन इन फ्रेंचाइजिंग पीपल डूइंग की 50 लाख बिजनेस पे लगेगा, उनके पास 30 लाख होता है और बाकी वो कहते हैं हम कर लेंगे मैनेज. इट कैन नॉट गेट एनी वर्स देन दैट. आपके पास वर्किंग कैपिटल है ही नहीं बिजनेस चलाने के लिए. ये कौन सा बिजनेस आपको, चाहे ब्रांडेड हो अनब्रांडेड हो, कौन सा बिजनेस कह देगा कि पहले महीने से प्रॉफिटेबल होने वाले हो, अपने बिजनेस में हो जाओगे तो फिर फ्रेंचाइज बिजनेस में भी कैसे हो सकते हो एक नई दुकान खोलकर. तो कुछ तो वर्किंग कैपिटल रखो. अगर आपके पास 50 लाख रुपीज़ है, आपकी फ्रेंचाइज इन्वेस्टमेंट सिर्फ 35 लाख रुपीज़ की होनी चाहिए. 15 लाख शुड बी देयर इन योर बैंक फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स टू रन द बिजनेस. दैट इज द साइंस ऑफ रनिंग अ फ्रेंचाइज. एज, आई थिंक सबसे ज़्यादा आज की डेट में मैं देखती हूँ प्रेफरेंस है फ्रेंचाइजर का कि वो आमतौर पर जो फ्रेंचाइजी उठाता है वो 25 साल से लेकर 60 साल का फ्रेंचाइजी उठा. उसको कुछ फ्रेंचाइज ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनको 55 टू 60 का एज ग्रुप बहुत सूट करता है, पर आमतौर पर ज़्यादा जो एग्रेसिव जिसके अंदर मार्केटिंग या जिसके अंदर ब्रांड के अंदर एग्रेसिव सेल्स होती है, जैसे इंश्योरेंस वगैरह में आप देखें, वो 25 साल का फ्रेंचाइजी सबसे ज़्यादा पिक करता है. और ये लास्ट फैक्ट बिफोर आई क्लोज इज दैट अगर आप सोचें आप गारमेंट बिजनेस में हैं और वेलिंगटन आपको फ्रेंचाइज देना चाहता है, ये सबसे गलत बात है, वो देना ही नहीं चाहता. क्योंकि इस इंडस्ट्री के बहुत इंडस्ट्रीज के अंदर आप इतना कुछ जानते होते हैं उस इंडस्ट्री में कि आप अपना माइंड को एक नई डायरेक्शन नहीं दे पाते. सो इट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ अ, तो फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी दोनों के लिए वर्कआउट नहीं करती वो सिचुएशन. उसको ऐसा चाहिए जो पहले इंस्ट्रक्शन देके रास्ता ढूंढे. यहाँ रास्ता पहले ही पता है तो वो कहता जाता है यही रास्ता, यही रास्ता, ये रास्ता नहीं, रास्ता तो कहीं और से आएगा. सो दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्ट्स अबाउट द फ्रेंचाइज इंडस्ट्री दैट people don't like to give franchise or brands don't like to give franchise to the people who come from the same industry. They rather look for people who are absolutely have nothing to do with that industry. So I'll stop over here. Thank you very much for being such a gracious business. And if you have something to discuss, we have a small magazine booth over there. Please come and look at our magazines. Thank you very much.